ठीक है, बट जो एक लेजेंड है जिसकी लेगेसी सारी उम्र तक याद रखेंगे लोग, ठीक है, क्रिस बम्सटेड, चार बार मिस ओलंपिया, तो उसको कह रहा है कि उसने क्या कर लिया मिस ओलंपिया जीत के चार बार भी, कि उसने अपना सप्लीमेंट का काम ही खोला है। अरे बेवकूफ इंसान, उसने पैशन से बॉडी बनाई थी अपनी, पैशनेटली बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, उसके बाद उसका उसने अचीव किया, वो नाम अपना अचीव किया कि उसको ब्रांड प्रमोट करते हैं, वो उसने अपनी फेस वैल्यू बनाई, तेरी तरह बक बक करके नहीं बनाई, जिंदगी में एक शो नहीं खेला तूने, कभी कंपीट किया था स्टेज पे, तेरे को तेरी औकात पता लग जाती कि तू कितने लेवल पे खेलने वाला बंदा है, तेरे तो नेचुरल जेनेटिक्स भी इतने इतने हैं ना, इतने रद्दी है ना, तू सारी उम्र लगा ले नेचुरल होने के तो भी तू शो नहीं खेल सकता। तो आज चैलेंज देता हूँ, तू सारी उम्र भी नाच डोले भाई, सारी उम्र भी नाच डोके देख ले, तू जिस लेवल पे क्रिस बम्सटेड है ना, तू पहुंच गया ना, मैं तेरे घर नौकरबंदी करूंगा, इससे बड़ी बात क्या करूंगा। ऑल राइट गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आईएबी प्रो सुपर सेम बाइक की अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम के बाद में इन्होंने हमारे साथ में अपनी लेटेस्ट अपडेट को शेयर कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हो सुपर सेम बाइक बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग में नजर आ रहे हैं। आप इनकी बाइसेप्स, इनकी चेस्ट और इनके शोल्डर पर फोकस कर सकते हो भाई, ये साइज में पहले से बिगड़ लग रहे हैं। ऑब्लिक्स एंड इनके एब्स भी यहाँ पर क्लियर विजिबल हो रहे हैं और साफ कंडीशनिंग में हैं। बात करें यहाँ पर इनकी बॉडी की फुलनेस की, तो ये ऑन पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, सुपर सेम बाइक इन अपडेट्स को देखकर हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस बार इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया है, जिन्हें आप इन अपडेट्स में क्लियर देख सकते हो। इनके बाद हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट प्रोजो के बारे में। तो गाइज, अभी तक इन्होंने इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दी है, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर मिल ही जाएगी। इनके बाद हम बात करेंगे सुंदरम फिजिक बाइक की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये कॉम्पीट करने वाले हैं साल के शेरू क्लासिक में। तो इन्होंने हमारे साथ अपनी 3 वीक्स आउट वाली अपडेट को शेयर कर दिया है, जिसमें आप सुंदरम बाइक की प्रेजेंट टाइम की कंडीशनिंग को देख सकते हो कितनी खतरनाक है। सभी मसल्स बेलीज राउंड होने के साथ साथ बहुत ही हार्ड दिख रही हैं। चेस्ट और शोल्डर में फाइबर्स आप क्लियर देख सकते हो। इनके ऑब्लिक्स की कंडीशनिंग भी प्रेजेंट में बहुत ही पील्ड है। तो गाइस, सुंदरम बाइक की इन अपडेट्स को देखकर लग रहा है कि इस बार शेरू क्लासिक में प्रो कार्ड के लिए पूरे दावेदार होने वाले हैं, और इस बार इन्होंने अपने नाम की भी हाइप बना ली है। तो दोस्तों, देखते हैं सुंदरम फिजिक बाइक इस साल इंडिया के न्यू आईएबीवी प्रो बॉडी बिल्डर बन पाते नहीं, और इनके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है अमित थापा भाई की तरफ से। तो ये है इनकी रिसेंट अपडेट्स, जिसमें आप देख ही सकते हो ये बहुत ही बढ़िया शेप में नजर आ रहे हैं। इनकी ओवरऑल चेस्ट में यहाँ पर फुलनेस बहुत ही इम्प्रेसिव है। इसके बाद में आप देख सकते हो अमित थापा भाई की टाइनी वेस्ट एंड वाइड शोल्डर से कितना बढ़िया वी टेपर क्रिएट हो रहा है, जो मेंस फिजिक डिविजन में बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी अमित थापा भाई की लेटेस्ट अपडेट, आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल के शेरू क्लासिक में इनका फोकस गोल्ड के साथ साथ प्रो कार्ड पर भी होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर अपना कैसा पैकेज दिखाते हैं सभी लोगों को, और गोल्ड मेडल जीत पाते हैं नहीं। इनके बाद हम बात करेंगे सिद्धांत जायसवाल की पूरी टीम के बारे में। तो दोस्तों, एक दिन पहले संग्राम क्लासिक हुआ था, वहाँ पर इन्होंने अपने कई एथलीट्स को भेजा था कॉम्पीट करने के लिए, तो इन सभी ने मेडल्स जीते हैं, किसी ने गोल्ड तो किसी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो दोस्तों, इनके बाद में मैं आपको मिलाना चाहूंगा सिद्धांत जायसवाल सर के एक स्टूडेंट से, जिसने संग्राम क्लासिक की मेंस वीक डिवीजन का ओवरऑल टाइटल जीत, इनका नाम है प्रदीप। तो आप सभी इनके लिए कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखें। इनके बाद हम बात करेंगे सुनमित गिल भाई की अपडेट्स के बारे में। तो गाइज, कल सुनमित गिल भाई अपने इंस्टा पर लाइव आए थे, और इन्होंने हमारी इंडियन बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में चल रही कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में कुछ बातें की है, और इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये जीत सिलाल सर ने शुरू की है, जो नेचुरल वर्सेज स्टेरॉइड के बीच है। और भाई, इसके बारे में जीत सिलाल सर ने ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स को स्टेरॉइड से किया है, जिनमें शिवम भी हैं, जो एक लीजेंड बॉडी बिल्डर हैं। तो इसीलिए सुनमित गिल भाई ने इन्हें बहुत ही बढ़िया रिप्लाई दिया है, जिसे आप आगे इस वीडियो में देख सकते हो। देखो, मैं नेचुरल शोज के खिलाफ नहीं हूँ, नेचुरल एथलीट्स के खिलाफ नहीं हूँ, इवन आई प्रमोट की आप नेचुरल रहकर बॉडी बिल्डिंग करो, कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ अचीवेबल है। बट बात तब आती है जब बंदा अपना शो प्रमोशन के चक्कर में, जो लेजेंड्स हैं बॉडी बिल्डिंग के, ठीक है, जिनकी लेगेसी है, जिनको सारी दुनिया याद रखेगी सारी उम्र तक, ठीक है, इवन की ये भी छुप छुप के उनसे ही मोटिवेशन लेता होगा अपने स्टार्टिंग ईयर में भी, अब भी लेता होगा, उनको जब ये डिसरिस्पेक्ट करने लग जाए। मैंने अभी वीडियो देखी, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि क्रिस बम्सटेड ने क्या किया, शिवम ने क्या किया, इतनी बॉडी बना के चार टाइटल जीतते मिस्टर ओलंपिया के, तो उसने क्या किया? अरे भाई, एक लेगेसी क्रिएट किया उसने, ठीक है, ही इज लेजेंड। तू, मैं लिख के दे सकता हूँ, तू दुनिया भर का सामान भी यूज कर लेगा ना, तू ओलंपिया के टॉप 10 में छोड़, तू प्रो कार्ड भी नहीं ले सकता, ठीक है, तू प्रो कार्ड भी नहीं ले सकता, तेरा बहन दूर। और आयरनी इज फैक्ट इज कि इस बंदे ने जिंदगी में कभी कम्पीट नहीं किया, ठीक है, जीत सिलाल ने कभी जिंदगी में कम्पीट तक नहीं किया, एंड ये बात कर रहा है कि इनहांस बॉडी बिल्डर्स को ये होता है वो होता है। अरे भाई, तूने जिंदगी में कभी कम्पीट भी नहीं किया, तेरी बॉडी जितनी नेचुरली तूने जितने 10 साल से जोर लगा रखा ना, जो ये लेजेंड्स है ना बॉडी बिल्डिंग के, ठीक है, जो ये रॉनी कोलमैन, क्रिस बम्सटेड, जो भी मिस्टर ओलंपिया लेवल पे खेलते हैं, इनकी नेचुरल तेरे से 100 गुना ज्यादा अच्छी बॉडी है, तू ना नेटिव अचीव नहीं कर सकता वो, बिकॉज तेरे में वो आग ही नहीं है। ही, यस भाई, संध्या, वो
ही इज फुल ऑफ शिट, मतलब मेरे को कोई लेना देना था, ही इज डूइंग हिज जॉब, अपना शो प्रमोट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है नेचुरल। बट अब मैं आता हूं फैक्ट्स पे, इसका फर्स्ट शो HSF गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में, मैं गया वहां पे मेरे क्लाइंट को लेके, ठीक है। फैक्ट इज इसके पास एक भी ऐसा बंदा नहीं था, सेलिब्रिटी नहीं था बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो नेचुरल हो, जिससे अपना शो प्रमोट करवा सके। इसने किससे शो प्रमोट किया, किसको बुलाया, चीफ गेस्ट जतिंदर सिंह को, ठीक है सर, यतिंदर सिंह इनहांस बॉडी बिल्डर जो सबको पता है, मिस्टर इंडिया मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। तेरे को एक नेटी एथलीट तक नहीं मिला जो फेमस हो, ठीक है, हाँ दीपक जेलर जो इनहांस है, तेरे को एक बंदा तक नहीं मिला नेटी जो तेरा शो प्रमोट करने आ सके। और अब तू प्लीज बमस्टर के खिलाफ बोल रहा है या तू, तेरा दिमाग ठीक है ठिकाने पे है, तू कह रहा है बॉडी बिल्डर से खोल ले, यहाँ से खोल चुका अपने शो प्रमोशन के चक्कर में। सेकंड थिंग, जो तेरे जजिंग पैनल पे बंदे बैठे थे, जजेस थे जो, उनमें से भी एक बंदा नेटी नहीं था, दे यूज्ड टू बी नास बॉडी बिल्डर्स, ठीक है, जो पास में खेलते थे, उनसे तूने जजिंग करवाई नहीं, जिंदगी में एक शो नहीं खेला तूने, कभी कंपीट किया था स्टेज पे, तेरे को तेरी औकात पता लग जाती कि तू कितने लेवल पे खेलने वाला बंदा है। तेरे तो नेचुरल जेनेटिक्स भी इतने हैं ना, इतने प्रति है ना, तू सारी उम्र लगा ले नेचुरल होने तो भी तू शो नहीं खेल सकता, समझा। और तू इनहांस की बात कर रहा है, क्रिस बम्स्टेड, कोई भी जो लेजेंड बॉडी बिल्डर्स इस टाइम पे जिनकी इतनी तगड़ी लेगेसी बन चुकी है, तू उनके नेचुरल फिजिक उठा के देख ले, तू उनसे बहुत दूर है, उनके नेचुरल फिजिक से भी बहुत दूर है तू अभी, ठीक है। आयरन इज, ये बंदे ने कभी जिंदगी में कंपीट नहीं किया स्टेज पे, कुछ अचीव नहीं किया, और ये बता रहा है कि नेचुरल इनहांस कंपटीशन में कुछ नहीं रखा या उसमें ऐसे डर चले गए, बंदे भाई तू नेचुरल शो खुद तो खेल ले भाई, प्रमोटर बन गया तू, कभी हमसे सुना कि तेरे नेचुरल शोज के बारे में बोल रहे हैं कि ये वो है, ये नेचुरल शोज घंटे के हैं, ऐसे हैं, 36 बंदे गिना दूंगा तेरे जो इनहांस थे वहां पे, ठीक है, पास में मैं जानता हूं उनको, बट एक लेजेंड है, ठीक है, क्रिस बम्स्टर चार बार मिस ओलंपिया है, तो उसको बोल रहा है कि वो जीत के उसने क्या कर लिया, अरे क्या क्या बोला जाए तेरे को, जो उसने लेगेसी क्रिएट की है ना, तो अपने 10 पुश्तें भी लगा ले तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। तू उनके बारे में बोल रहा है, लेजेंड्स के बारे में बोल रहा है, कभी इनहांस कहता प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स खाली होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, इतनी तेरी इनकम नहीं होगी जितना एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एक साल में अपने ब्लड टेस्ट पे लगा के सप्लीमेंट पे लगा के सारी चीजें पे लगा देता है, ठीक है। और अगर हेल्थ नहीं अच्छी होती ना, बंदा इतना लंबा नहीं खींचता, 45-45 साल की उम्र तक कर रहे हैं, जो तुम्हारे नेटिव फॉलोअर्स है ना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जाके देखना, ये डैडी डैडी कहते हैं किस बम्स्टर को, ठीक है, इज अ पीस ऑफ आर्ट, लेगेसी या लेजेंड है वो, मुझे कहना नहीं चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहता मैं, ठीक है, सारी उम्र लग जाएगी तुझे, तेरी पुश्तें भी आ जाएंगी तो भी तुम इनहांस बॉडी बिल्डिंग से आगे नहीं जा सकोगे, ठीक है, समझे बात को। और आप प्लीज आप भी कंप्लीट करके देखिए सर, जी सिलाल, आप भी कंप्लीट करके देखिए, स्टेज पे उतरिए, आपको भी पता लगे क्या फीलिंग होती है, 5% 6% बॉडी फैट क्या होता है, सफर करना क्या होता है, जब 50 जने खड़े होते हैं तो उसके बीच में खड़ा होकर कंप्लीट करने को कैसे फीलिंग आती है, बजाय कि यूट्यूब पे बकबक करने से। दूसरा शो है वो तुमने एथलीट पे फाउंडेशन लगा दी कि जो बंदा यहाँ से कंप्लीट कर रहा है वो किसी और फेडरेशन में नहीं करेगा, वो चार एथलीट है तुम्हारे पास यार, उनके बाद तुम्हारा शो चल रहा है, द्यों दारसी दीक्षांत दो तीन हो रहे हैं, इनके बाद तुम्हारा शो चल रहा है, तुमने इनको बाउंड कर दिया, बिकॉज इसके अलावा तुम्हारे पास एथलीट नहीं तुम्हारे शो को देखने हैं लोग, बिकॉज वो वेल एक नोन एथलीट्स हैं सोशल मीडिया पे भी, ठीक है, हेट मिलनी चाहिए भाई, बकवास हेट वाली बातें करोगे तो हेट मिलेगी, देख ले, मैं तो आज चैलेंज देता हूँ, तू सारी उम्र भी नाच ले भाई, सारी उम्र भी नाच दोगे देख ले, तू जिस लेवल पे क्रिस बम्स्टर है ना तू पहुंच गया ना, मैं तेरे घर में नौकरी करूंगा, इससे बड़ी बात क्या करूंगा, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट द लेजेंड्स जो इस गेम में है।